नमस्कार दोस्तों, NCR मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। यूं तो 5 अगस्त हमारे लिए और हमारे देश के लिए काफ़ी अहम दिन है, क्योंकि 5 अगस्त के दिन आज से 2 साल पहले कश्मीर से धारा 370 हटाया गया और पिछले साल ही 5 अगस्त को ही राम मंदिर का शिलान्यास भी किया गया। 5 अगस्त की तारीख में अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है। टोक्यो में भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने इतिहास रच दिया है। यह बदलते हिंदुस्तान की हॉकी है, यह सुनहरे भविष्य की शुरुआत है, यह आगाज है उस बादशाहत को पाने का जो वक्त के साथ कहीं खो गई थी। जर्मनी के खिलाफ मुकाबले में वापसी सिर्फ मैच में नहीं थी, बल्कि यह कदम हॉकी स्वर्णिम युग की ओर था। 2-0 से जर्मनी से पिछड़ने के बाद शानदार अंदाज में भारतीय धुरंधरों ने वापसी की सोने सा खेल दिखा, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया। आज से पहले तक हमारी युवा पीढ़ियों ने हॉकी में पदक जीतने की कहानियां सुनी थी, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक में 41 सालों के सूखे को समाप्त कर दिया, एक बार फिर पदक दिलाया है। वही ओलंपिक खेलों के इतिहास में पुरुष हॉकी में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का कीर्तिमान भी स्थापित किया है। इसके साथ ही अब ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नाम कुल 12 पदक हो गए हैं, जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रोंज। तो वहीं भारत ने कुल पदकों के मामले में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें कि जर्मनी के पास फिलहाल 11 पदक हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रोंज हैं। इसी के साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम को देश में सभी लोगों से बधाइयाँ मिलनी शुरू हो गई। पहले तो भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए। जिन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण ना केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। जिस समय हमारी भारतीय टीम अपनी जी जान लगाकर टोक्यो में खेल रही थी, पूरे देश की नज़र उन पर थी। जीतने के बाद पूरे देश में खुशी का लहर सा छा गया, लोग बधाइयां देने लगे। हमारे PM ने भी नज़र मैच पर गड़ाई रखी और ट्वीट करते भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हॉकी का हर भारतीय के दिलो दिमाग में खास जगह है, हर हॉकी प्रेमी के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अब एक बार फिर भारत ने टोक्यो में हॉकी मेडल का सूखा खत्म किया और अब इन हॉकी के सुरमाओं को उस गोल्डन दुनिया में टीम को ले जाना है, जहाँ हिंदुस्तान की तूती बोलती थी और आगे भी बोलती रहे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बने रहिए NCR मीडिया के साथ और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।